दर्शकों नमस्कार, रेडियो हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेल जगत। इस कार्यक्रम में दर्शकों हम विभिन्न खेलों की बात करते हैं और खिलाड़ियों की बात करते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में एक अपनी अहमियत रखते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय कोच श्री सतीश शर्मा जी से। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो आपको अपने सामने पाकर बहुत खुश हुए होंगे। शुक्रिया। आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में बहुत से खेल खेले जाते हैं, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, चाहे फुटबॉल की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, कबड्डी, खो, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। लेकिन यदि वॉलीबॉल के बारे में हम जानना चाहें, वॉलीबॉल क्या खेल है? वॉलीबॉल, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि वॉलीबॉल एक हिमाचल का राज्य खेल है और हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर वॉलीबॉल खेला नहीं जाता। तो हिमाचल की एक अपनी अलग पहचान है। हिमाचल ने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेज दिए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी दिए हैं। वॉलीबॉल में एक हिमाचल की अलग पहचान है। यदि हम वॉलीबॉल की बात करें, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल भिन्न कैसे? बिल्कुल, वॉलीबॉल भिन्न इसलिए है कि हर एक गेम में, अगर आपने किसी भी खेल को आप देखते हैं तो उसमें एक छीना झपटी रहती है, चाहे हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हैंडबॉल है, चाहे बास्केटबॉल है। वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जो कि डोनर गेम है, जिसे हम अपने ओपोनेंट को देते हैं, पर आराम से नहीं देते हैं, वो भी इसलिए कि भी अपने पूरे शॉट के साथ, पूरे अपनी टेक्निक के साथ, अपनी टैक्टिक्स के साथ ओपोनेंट को देते हैं, और वॉलीबॉल इज ए डोनर गेम। दर्शकों, सतीश शर्मा जी का कहना है कि मात्र वॉलीबॉल ही एक ऐसी गेम है जो बॉल किसी को दी जाती है पर पात्र व्यक्ति को दी जाती है, जिसमें सक्षमता है वॉलीबॉल को उठाने की, जो उसके लिए कैपेबल है उसको वो बॉल दी जाती है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें, वॉलीबॉल की क्या स्थिति है और वॉलीबॉल से जितने खिलाड़ी जुड़े हैं उनका भविष्य आप कैसे आंकते हैं? मैं वॉलीबॉल हिमाचल में वॉलीबॉल का जो स्तर है, अगर आप जूनियर लेवल पे देखेंगे, अगर आप स्कूल लेवल पे देखेंगे, अगर आप यूथ लेवल पे देखेंगे, तो हम पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट 8 में है। और जो अभी सीनियर की टीम है वो भी अभी इतना बेस्ट 8 में नहीं है, पर आने वाला समय ऐसा है हिमाचल का कि वॉलीबॉल में पूरे भारतवर्ष में हिमाचल का एक डंका बोलेगा, जिससे कि जिस तरह से हमारे कोचिज काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकार वॉलीबॉल के ऊपर फोकस है, हमारा ये सौभाग्य है कि अभी हिमाचल प्रदेश के जो हमारे खेल मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट है अभी जो हिमाचल में आ रहे हैं। खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट है, चाहे प्लेयरों के लिए सुविधा है, अभी आने वाला समय हिमाचल का है और आप देखेंगे कि 2-3 साल में या 4 साल में हिमाचल का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराने वाला है। सतीश जी, आपने कहा कि राजकीय खेल है वॉलीबॉल हिमाचल प्रदेश का, बहुत सारे खेल हैं, क्यों वॉलीबॉल को राजकीय खेल बनाया गया? वॉलीबॉल खेलने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता रहती है, कितने लोगों की ज़रूरत होती है और खिलाड़ी कितने रहते हैं? वॉलीबॉल में 12 खिलाड़ी रहते हैं, 6 एज ए प्लेइंग मेंबर खेलते हैं और 6 एज ए सब्स्टिट्यूशन बाहर बैठते हैं। और वॉलीबॉल हिमाचल में इसलिए राज्य खेल है कि इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के खिलाड़ी खेल चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सारे खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम ऊंचा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी राज्य है जहां पर इतनी सुविधा नहीं है, इतने ज़्यादा प्लेग्राउंड नहीं है, और वॉलीबॉल के लिए 18x9 मीटर चाहिए होता है, और वॉलीबॉल आप देखेंगे कि भी कम जगह चाहिए, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, कोई अपने ज़्यादा एक बॉल चाहिए और एक नेट चाहिए। और हिमाचल में पहाड़ी राज्य है, जैसे मैंने कहा पहले भी कि छोटे छोटे ग्राउंड है, तो हर एक स्कूल है, चाहे गांव है, चाहे पंचायत है, हर जगह वॉलीबॉल के ग्राउंड है, इसलिए वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिमाचल में, प्लेयरों का भी और जो प्रमोट कर रहे हैं एसोसिएशंस है, चाहे आपके हमारी सरकार है, वॉलीबॉल का एक अपना ही एक खेल भी एक बहुत रोचक है। देखेंगे आप जब वॉलीबॉल खेलते हैं तो अपने आप एक खुशी आती है, जिस तरह जब अटैक होता है, जब ब्लॉक होता है, जब डिफेंस होता है, जब कोई भी टेक्निक वॉलीबॉल की होती है, तो एक अपने आप एक जो दर्शक होते हैं या चाहे खेल को देख रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, और हमने तो ये भी सुना है कि वॉलीबॉल को देखने से और खेलने से उम्र बढ़ती है।
तो दर्शकों ये भी एक नई बात आज सतीश शर्मा से साझा हुई कि वॉलीबॉल खेलने से देखने से उम्र बढ़ती है। बिल्कुल, इनके चेहरे को देखकर, इनकी पर्सनैलिटी को देखकर हमको भी ऐसा आभास हो रहा है कि वाकई में वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है। आपके जो शिष्य है वो बहुत नाम आज भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहे हैं। आपके शिष्य किस किस मंच तक पहुंचे हैं, आपकी जो उपलब्धि है वो आपके शिष्य है, उनका स्तर कहां तक पहुंचा है? सबसे बड़ी उपलब्धि तो कोच के लिए तो यही होती है कि जब खिलाड़ी अपने प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करता है, जब हिमाचल का नाम ऊंचा होता है, जब हिमाचल के लिए कोई मेडल आता है, जब हिमाचल के लिए कोई पोजीशन आती है, तो उसका सबसे बड़ा सम्मान तो कोच के लिए ऑटोमेटिकली मिलता है। और एक अंदरूनी और एक अपनी सेटिस्फेक्शन जो होती है जब प्लेयर खेल रहा होता है और जब अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी इतनी माँ बाप और किसी दर्शकों को नहीं होती जितनी एक गुरु को होती है और एक कोच को होती है। अभी हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे हमारे जो है हिमाचल के खिलाड़ी जो है पूरे भारत के लिए खेलेंगे और भारत के लिए भी मेडल जीतेंगे। जिस तरह की हमारी प्लानिंग चल रही है कि अभी छोटे बच्चे जो बिगनर है, छोटी एज में उनको कैच कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार और युवा सेवा खेल विभाग इसमें बहुत प्रयासरत है और एक कोशिश ऐसी हो रही है कि आने वाले समय में एक हिमाचल जो है खेल राज्य होगा। दर्शकों आज खेल जगत कार्यक्रम में हम सतीश शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं। आप जानते हैं ये वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोच हैं और आजकल इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को, बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं जो वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत मंचों पर आपको सम्मानित भी किया गया है, राष्ट्रीय मंचों की बात करें चाहे हिमाचल प्रदेश स्तर की बात करें, आपको जब सम्मानित किया गया कैसा महसूस आपको? सम्मान तो सबसे बड़ी खुशी होती है और एक एनर्जी होती है कोचेज के लिए। किसी भी खिलाड़ी या किसी भी प्रशिक्षक को जब सम्मान मिलता है, वो चाहे आशीर्वाद के रूप में मिलता है, चाहे किसी अखबार के रूप में मिलता है, चाहे ऐसे दूरदर्शन के, जिस तरह से आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो खिलाड़ी और कोच के लिए एक सबसे बड़ा सम्मान ये होता है कि जब खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहा होता है और हिमाचल के लिए मेडल जीत रहा होता है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। और हम चाहते हैं कि वे जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे, सम्मान मिले ना मिले, पर कोचिज के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है जब एक खिलाड़ी उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां उसको गुरु पहुंचाना चाहता है। हमने मंचों पर देखा है आपको मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, गवर्नर साहब ने सम्मानित किया, वो सम्मान क्या थे? वो सम्मान जब हमने स्पोर्ट्स हॉस्टल में, मैंने 8 साल युवा सेवा खेल विभाग का खेल छात्रावास है ऊना में, तो 8 साल लगातार हमने इंटर कॉलेज में चैंपियन बने, स्टेट में चैंपियन बने, अंडर 19 में चैंपियन बने, तो मुझे बहुत सारी जगह में सम्मान मिला। मुख्यमंत्री साहब ने भी मुझे सम्मानित किया, खेल मंत्री जी ने भी, बहुत सारे हमारे जो हमारे हिमाचल के स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं उन्होंने भी, और पेरेंट्स ने भी, एसोसिएशन ने भी, बहुत सारे लोगों ने सम्मान दिया। वो सम्मान इतने हैं कि मुझे अपने हमेशा मेरी यादों में रहेंगे और वो सम्मान बहुत ज़्यादा बड़ा सम्मान है। और मैं ये चाहता हूं कि कोच का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान ये है कि जब खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करे। सतीश शर्मा जी, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, आपने खुद ही अपने शब्दों में कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ हर जगह, हर गांव, हर क्षेत्र में पहुँचना बहुत मुश्किल है। जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्कूलों से ही बच्चा खेल के प्रति जागरूक हो जाए और स्कूल से निकलने के बाद उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो भटके ना, उसके जीवन में भटकान ना आए, वो नशों की तरफ ना जाए, वो अपने खेल को पकड़े, इसके लिए आप लोग क्या करें? हमारा युवा सेवा खेल विभाग हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में 4 तरह के खेल छात्रावास चल रहे हैं। एक भारतीय खेल प्राधिकरण का खेल छात्रावास है जो धर्मशाला में है, शिक्षा विभाग के जो खेल छात्रावास है वॉलीबॉल की मैं बात कर रहा हूँ, एक मतियाना में है, एक रोडू में है और एक जुब्बल में है, और युवा सेवा खेल विभाग का खेल छात्रावास ऊना में है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, 13 साल की आयु से लेकर 19 साल की आयु तक वहाँ पर स्पोर्ट्स हॉस्टल में एक ट्रायल्स होता है जिसमें बच्चों को जब वो सिलेक्ट होते हैं उनको फ्री कोचिंग, फ्री स्टडी, फ्री खाने पीने का, पूरा डाइट का हिमाचल प्रदेश सरकार मुहैया करवाती है।
तो मेरा दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है वो स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी जा सकता है, और जिस तरह से इंदिरा गांधी खेल परिसर है हमारा जो कि हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल परिसर है, वहाँ पर अभी लगभग कोई 60 से 70 बच्चे जो है वॉलीबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, और जो कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो आने वाले जो हमारे बिगनर्स बच्चे हैं जो अभी जूनियर है या यूथ में है या स्कूल में है, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि भाई आने वाले समय में ये ही बच्चे जो है हिमाचल का पूरा नाम रोशन करेंगे। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश का हमारा जो धन है, हमारे जो बच्चे हैं उनको एक ऐसा प्रशिक्षक मिल गया है या वर्षों से उनको सिखा रहा है जो उनकी पूरी जिम्मेवारी लेता है। विद्यालय से निकलने के बाद आपके लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है और ऐसे संस्थान खोले गए हैं जिसमें आप प्रशिक्षण ले भी सकते हैं। ये तो बात हुई बच्चों के प्रशिक्षण की, लेकिन हम मानते हैं कि आपको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता समय समय पर रहती है। आपके प्रशिक्षण के लिए सरकार और विभाग क्या करते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब कोचिज भी हर तरह से एक तरह से अपडेट रहना चाहता है तो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार कोचिज को एडवांस कोचिंग कोर्स करने के लिए विदेशों में भेजती है, न्यू टेक्निक के लिए समझने और पढ़ने के लिए उनको वहाँ भेजा जाता है, अच्छे कोचिज के अंडर उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। जिस तरह मैं 2013 में एक एडवांस कोचिंग कोर्स हुआ था क्यूबा में, वहाँ पर मैं 2 महीने एडवांस कोचिंग कोर्स करने के लिए गया था, जो कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, और उसका फ़ायदा जो है खिलाड़ियों को आज भी मिल रहा है। और जो एडवांस कोचिंग कोर्स करके आया हूँ मैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, खिलाड़ियों को नहीं प्रशिक्षक और कोचिज को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है कि एडवांस कोचिंग कैसे होती है और एडवांस कोचिंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट और एपरेटस यूज किए जाते हैं, कौन सी टेक्निक रहती है, क्या प्लानिंग होती है, क्या शेड्यूल होता है, इस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है, जिसका फ़ायदा कोचिज को तो मिलता ही मिलता है और साथ ही साथ प्लेयरों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। सतीश जी, हिमाचल प्रदेश के साथ आपने भारत के विभिन्न जगहों का दौरा किया, वहाँ के खेल को देखा, विश्व के अग्रणी देशों में जाकर आपने वहाँ भी वॉलीबॉल को समझने का प्रयास किया। यदि हम विश्व स्तर पर हिमाचल प्रदेश और भारत का आंकलन करें, कहाँ पाते हैं आप विश्व में भारत की और प्रदेश की वॉलीबॉल में क्या स्थिति? अभी भारत की हम विश्व में तो नहीं बता सकते हैं, पर एशिया में हमारा बहुत अच्छा स्थान है। जूनियर एशियन चैंपियनशिप में अभी हम सिल्वर मेडलिस्ट है, और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा और ओलंपिक से मेडल लाएगा, जिस तरह की हिमाचल के लिए हिमाचल के खिलाड़ी भी उसमें भाग लेंगे। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज अनुराग जी ठाकुर जो हमारे भारत सरकार में युवा सेवा खेल के मंत्री है और जिनका पूरा फोकस खेल पे है और खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे, और बहुत सारी योजनाएं चल रही है खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है, फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है। मैं मानता हूं कि आने वाला समय अब हिमाचल का है और हिमाचल के खिलाड़ी पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराएंगे, और इसकी पूरी मैं श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खेल मंत्री अनुराग जी ठाकुर को देता हूँ। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार खेल को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन, योजनाओं का आयोजन किया गया है, खिलाड़ियों को आगे आने की जरूरत है, कोचिज आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए संस्थान खोले गए हैं, लेकिन आगे बढ़कर इन संस्थानों का लाभ उठाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, हमारे बच्चों को इन संस्थानों से जुड़ना पड़ेगा। आपसे सतीश जी हम ये भी जानना चाहते हैं, अभी कुछ वक्त जो दौर पीछे गुजरा है वो कोरोना काल जी, आप क्या मानते हैं कोरोना काल में जो हमारा खिलाड़ी था कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ? बिल्कुल, कोरोना से तो सभी प्रभावित हुए हैं, खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खिलाड़ियों को नुकसान इस तरह से हुआ कि जो बच्चे अंडर 19 के थे वो 2 साल अब अपना अंडर 19 नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो अब अंडर 21 हो गए, 2 साल बड़े हो गए हैं। अंडर 16 थे वो अंडर 18 हो गए हैं, क्योंकि हमारी एज कैटेगरी जो रहती है खेल में, जो जैसे अंडर 16 होता है हमारा, अंडर 14 होता है, अंडर 18 होता है, अंडर 21 होता है, नुकसान तो सभी का हुआ है पर खिलाड़ियों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको बाहर फिटनेस करने में दिक्कत आई, बहुत सारी बहुत बड़ी ये जो बीमारी थी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से ये बीमारी थम जाए और खिलाड़ी जो अच्छा खेल खेले और पूरे भारत का नाम रोशन करे, पूरे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा रहे, और आने वाले समय में जरूर खिलाड़ी हमारा
ये झंडे को जरूर ऊंचा करेंगे और अच्छा खेल खेलेंगे। सतीश शर्मा जी, जब माता पिता अभिभावक आपके पास अपने बच्चे को वॉलीबॉल सिखाने के लिए आते हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं, आप बच्चे का आंकलन कैसे करते हैं? क्या वॉलीबॉल में शरीर का गठीला होना जरूरी है? क्या आप शरीर की संरचना को भी ध्यान में रखते हैं? क्या कुछ पैमाने होते हैं किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट करने के? बिल्कुल सही आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें हाइट की जरूरत रहती है, क्योंकि वॉलीबॉल को नेट के ऊपर से खेलना होता है, तो हम जो ऊंची हाइट के लंबे बच्चे रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, पर ज़्यादा जितना खिलाड़ी लंबा होगा और जिसकी एज छोटी होगी उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है कि वो खिलाड़ी अच्छे लेवल पर खेल सकता है। वैसे तो फिजिकल फिटनेस के लिए खेलना है तब तो आप किसी भी हाइट में खेल सकते हैं, अगर आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़े लेवल पर खेलना है तो हाइट का होना बहुत ज़रूरी रहता है। जिस तरह जब हॉस्टल के ट्रायल्स भी होते हैं तो उसमें एक पैरामीटर्स होते हैं बच्चों के लिए, उसमें हाइट का क्राइटेरिया होता है, फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया होता है, आपकी फिटनेस लेवल क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपकी स्पीड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको मेजरमेंट किया जाता है और उसके बाद मेरिट बनाई जाती है। और जो लंबे खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत फायदा मिलता है और जरूर अपना जो टारगेट होता है वहां तक जरूर पहुंचते हैं। आपने कहा कि लंबे खिलाड़ी वॉलीबॉल में बहुत अच्छे साबित होते हैं, हमने भी यही देखा है। कक्षा में जो विद्यार्थी लंबा होता था उसको जो पीटीआई सर है वो वॉलीबॉल के लिए चयनित करते थे, उसका महत्व क्या है? जो नेट के ऊपर से बॉल जब दूसरे खिलाड़ी के पास डाली जाती है, क्या उसमें लंबे शरीर का काम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सिंपल है कि जिसकी जितनी हाइट होगी, जितना एक्सप्लोसिव होगा, जिसकी रीच ज़्यादा होगी, जो बॉल को ज़्यादा ऊंचाई पे पकड़ेगा, ब्लॉक करने में आसानी होती है, अटैक करने में आसानी होती है, तो लंबे खिलाड़ी का तो बहुत ही फायदा है। और लंबा खिलाड़ी ही वॉलीबॉल में सक्सेस होता है अगर उसने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़े लेवल पर जब खेलना है तो हाइट का होना बहुत जरूरी है। इतने वर्षों से इंदिरा गांधी खेल परिसर में आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या आपने क्या रुझान देखा शिमला में? शिमला शहरी क्षेत्र भी है, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग यहाँ आते होंगे, कैसा रुझान आपने वॉलीबॉल के प्रति देखा? और ये जो कुछ समय पीछे गया, क्या इसमें भी लोग आपके पास आते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हिमाचल में शिमला में वॉलीबॉल का बहुत अच्छा रुझान है। शिमला डिस्ट्रिक्ट से पूरे नहीं, मैं आपको बताऊं कि पूरे हिमाचल से हमारे पास इंदिरा गांधी खेल परिसर में वॉलीबॉल के लिए खेलने के लिए ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं, और पेरेंट्स का इतना रुझान रहता है खेल की तरफ कि भाई जब भी आते हैं कि सर हमने अपने बच्चों को वॉलीबॉल सिखाना है और ये सबसे अच्छा सेंटर है। यहाँ इस सेंटर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट की टीम्स भी प्रैक्टिस करने के लिए आती है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहते हैं। अब उसमें जो जूनियर बच्चे होते हैं, जो बिगनर होते हैं, उनको अपने अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने का समय मिलता है। अगर आप अपने से अच्छे खिलाड़ी के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके खेल में बहुत अच्छा और एक अच्छा निखार और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जितने अच्छे खिलाड़ियों के साथ आप खेलेंगे, जितने अच्छे कोच से आप ट्रेनिंग लेंगे, तो जरूर एक दिन आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, जो कि आप इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज भी खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रशिक्षण और बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। गिरिडीह हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेल जगत, और इस कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच सतीश शर्मा से। इनसे कुछ टिप्स ले रहे हैं कैसे हमारे लोग वॉलीबॉल की फील्ड में आ सकते हैं, कैसे इसको चयनित कर सकते हैं। सतीश जी, हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर धन कमाए, पैसा कमाए, वो अपने जीवन को बड़े सुखमय ढंग से कमाए। कुछ साल पहले लोगों की ऐसी वृत्ति होती थी कि खेल खेल के क्या करोगे, तुमको आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे। आपका संदेश अभिभावकों को क्या है, क्या आज भी वही स्थिति है या खेल से आपकी नौकरी पक्की हो सकती है? बिल्कुल, आज जैसे कि पहले आपने कहा, आज तो खिलाड़ी जो खिलाड़ी खेलता है उसके लिए नौकरी हिमाचल सरकार ने 3% स्पोर्ट्स कोटा रखा है, जो कि आप हर विभाग में 3% कोटे के तहत नौकरी ले सकते हैं। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, खेलने से आपका शरीर तो अच्छा रहता ही है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस रहता है, जितना कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों का होता है। और दूसरा, नौकरी के साथ साथ आपके टूर्नामेंट हो रहे हैं, बहुत सारी लीग्स हो रही है जिसमें आपको पैसा मिलता है। खिलाड़ियों को अब पैसे की इतनी कमी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि भी आने वाला समय अब खिलाड़ियों का है।
आने वाला समय अब खिलाड़ियों का है, पैसों की दरकार खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार, प्रदेश सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि हमारे खिलाड़ी जोश से खेले, देश के लिए खेले, आत्मबल से खेले और तरक्की करके विश्व में भारत के नाम को आगे पहुंचाए। आने वाला समय यदि वॉलीबॉल के परिप्रेक्ष्य में देखें कैसा रहेगा, आने वाला समय वॉलीबॉल के लिए कैसा है, हिमाचल प्रदेश के लोग यदि वॉलीबॉल को अपनाते हैं तो वो उनका भविष्य कैसा है? बहुत ही अच्छा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वॉलीबॉल जो खिलाड़ी खेलेगा उसके लिए किसी भी तरह की कमी नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स कोटा, जैसे इसमें स्पोर्ट्स कोटे में भी हिमाचल का जो पहले उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है जो नेशनल लेवल पे मेडल जीतते हैं, तो वॉलीबॉल में जूनियर, स्कूल नेशनल, यूथ नेशनल में हिमाचल की पोजीशन है। तो बहुत सारे बच्चे वॉलीबॉल की नौकरी में लगे हैं, आने वाले समय में भी अभी लगेंगे, और वॉलीबॉल का भविष्य बहुत ऊँचा है। और वॉलीबॉल खेल जिस तरह से मैंने कहा कि भाई एक डोनर गेम है, आने वाले समय में हिमाचल एक वॉलीबॉल राज्य तो है, पहले है ही है, और हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ी बहुत सारी जगह आपको दिखने वाले हैं और अपना नाम कमाने वाले हैं, और पूरे भारत में वॉलीबॉल के खिलाड़ी अपना परचम लहराने वाले हैं। सतीश जी, आपने कहा कि वॉलीबॉल खेलने से न केवल धन की ही उपलब्धता बनती है बल्कि हमारा शरीर भी ठीक रहता है। शास्त्र भी ये कहते हैं, हमारे सनातन में भी ये कहा गया है कि यदि शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, तभी हम अपनी उपयोगिता अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अच्छे से दे सकते हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का मनोबल कैसे बढ़ता है, उनकी शारीरिक संरचना कैसे सुदृढ़ बनती है, कैसे शरीर बलिष्ठ बनता है? एक तो वॉलीबॉल खेल एक ऐसा खेल है जो कि एक टीम इवेंट है, और दूसरा जो है कि आपको डिसीजन मेकर वॉलीबॉल बनाता है। जब वॉलीबॉल का बॉल आपका ग्राउंड में उठता है तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आपको डिसीजन लेना होता है कि मैंने उसको ड्रॉप मारना है या अटैक करना है या ब्लॉक करना है। तो ये वॉलीबॉल से सीखता है आदमी, क्विक डिसीजन मेकर। और हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल इज नॉट ए स्पोर्ट, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, एक लाइफ है हमारी वॉलीबॉल हिमाचल में। तो आने वाले इससे आदमी तंदुरुस्त तो रहता ही रहता है। आपको डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, लोगों के साथ एक एक्सपोजर, बातचीत करना, खेलने से बहुत सारे एक डिसिप्लिन के अंडर खेलना होता है, एक रूल के अंडर वॉलीबॉल चलता है। तो जब आपको एक रूल को फॉलो करने का आदत बन जाएगी तो आप दूसरे भी, आप सोसाइटी में भी और समाज में भी आप एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं कि भाई आपको आदत होती है कि नहीं ये रूल गलत है, ये रूल ठीक है। तो वो वॉलीबॉलर जो होते हैं हमेशा वो रूल को भी फॉलो करते हैं और समाज के साथ भी चलते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करते हैं, नशे से भी दूर रहते हैं। जब खिलाड़ी खेलता है, खेलने की जब आदत हो जाएगी तो वो कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएगी। मेरा ये संदेश है सभी के लिए कि आप खेल खेलें, और आपका नशा अगर आप करते भी है तो वो छूट जाएगा। जो खिलाड़ी खेलता है उसको नशे करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको खेल का नशा हो जाएगा, वो नशे की तरफ जाएगा नहीं, और पढ़ाई में भी अच्छा होगा जो खेलेगा। तो खेलने वाला बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होगा, उसका शरीर भी अच्छा होगा। और प्राचीन यदि हम भारत देश के इतिहास को देखें तो राजाओं के जब समय होते थे तो बहुत सी ऐसे खेले थी जिनके ऊपर निर्णय कर दिया जाता था, युद्ध का या राज्य की स्थिति कैसे होगी। बहुत से ऐसे चौपट इत्यादि बहुत से ऐसे खेल थे जो पूरे परिदृश्य को सामने रख देते थे। बिल्कुल सतीश जी ने वैसी बात की, ये आपकी बहुत सही बात हमको लगी। आपका संदेश हमारे उन खिलाड़ियों के लिए जो गाँव में है, जो वॉलीबॉल से जुड़ना चाहते हैं लेकिन कम शिक्षा होने के कारण वो अपनी बात किसी के पास रख नहीं सकते, उनके लिए आपका क्या संदेश? मेरा संदेश यही रहेगा कि अभी आज का समय जो है वो खेल का है, आप तो अवश्य खेल खेलें, आप स्कूल में शुरू करें और छोटी एज में खेलना शुरू करें। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई वॉलीबॉल तो एक ऐसा खेल है कि आप कहीं भी खेल सकते हैं, आपके पास आप बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए, आपके पास छोटा ग्राउंड है तब भी आप खेल सकते हैं। आप ज़रूर खेल के मैदान में जाए और ज़रूर खेलें और नशे की तरफ ना जाए, अपनी पढ़ाई और खेल अगर आप खेलेंगे तो आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा सभी अभिभावकों खिलाड़ियों से ये मेरा संदेश रहेगा कि आप खेल जरूर खेलें, खेल को खेल की भावना से खेलें, और खेल हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए एक मान सम्मान का विषय भी हो सकता है। आज आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, और जो दर्शक हमसे जुड़े जो वॉलीबॉल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो आपके आपकी बातें उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आज आप इस कार्यक्रम में आए सतीश शर्मा जी, इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने दी, आपका बेहद आभार।
दर्शकों, आज के कार्यक्रम में सतीश शर्मा जी से हमने बातचीत की। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वॉलीबॉल कोच है। इस कार्यक्रम में ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं जो खेल जगत में अपना नाम रखते हैं, जिन्होंने बहुत से खिलाड़ी बनाए हैं, जो बहुत आगे प्रदेश को लेके जा चुके हैं या जाने वाले हैं। दूरदर्शन शिमला से, डीडी हिमाचल से आप ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे अगले कार्यक्रम का इंतजार करें। आज्ञा दें, नमस्कार।